आज हम बात करेंगे रतन पावर के स्टॉक के बारे में। रतन पावर के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पे स्टॉक में लगातार हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली हमको यहाँ पे स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली थी, लेकिन गिरावट के बाद भी स्टॉक ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और अगेन हमको स्टॉक में तेजी ही देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 4.74% की यहाँ पर एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और तेजी आती है तो यहाँ से भी और तेजी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 10 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी तेजी एक अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में 11.05 देन यहाँ से हमको स्टॉक में 12.30 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में अगेन 13.55 देन यहाँ से हमको स्टॉक में 15 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 16.65 एंड देन यहाँ पर हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 18.20 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर अभी स्टॉक में 9.55 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 8.80 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 8.10 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।